जब ना हमें मतलब आज एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, जो हमने थंबनेल में देखा ना जिस चीज़ को, उस चीज़ को हम बनाएंगे, क्या है वो असल में एक वाटर ओवरफ्लो अलार्म होता है ना जो, उसका मतलब एक प्रोजेक्ट टाइप है। मतलब प्रोजेक्ट मतलब जैसे कि एक उसका एक रेप्लिका है, मतलब कि उसका एक छोटा सा वर्जन है जिसमें मतलब हम सब वाटर ओवरफ्लो अलार्म, तो वही मतलब एक छोटा सा वर्जन हम बना कर देखेंगे। तो क्या कुछ हमें चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, एक मतलब एक प्रोजेक्ट टाइप हो गया, जैसे कि हमें कुछ इस तरह का मतलब एक कंटेनर चाहिए होगा, कुछ इस तरह का एक खाली कंटेनर मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्लास्टिक का, प्लास्टिक का ही यूज़, अगर आप भी बनाना चाहते हो तो प्लास्टिक का ही यूज़ करना, कोई मेटल का कंटेनर मत यूज़ करना, वो फिर मेटल तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो मैं प्लास्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही में कुछ इस तरह की हमें, मैंने जो किया है मैं आपको बता रहा हूँ, एक इस तरह का एक खाली टेप रोल लिया, यहाँ पर एक कट दे दिया मैंने स्विच लगाने के लिए, और यहाँ पर एक लीड लगा दी मैंने, एक किसी कंटेनर में से लीड लगा दी मैंने, और उसके नीचे होल कर दिया जहाँ पर हमारा जो है अलार्म बजेगा। तो किस तरह से लगाना है अभी देखो, यहाँ पर ये लगेगा कुछ इस तरह से, कंटेनर है, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे हम, इसमें तो हम पानी भरेंगे क्योंकि हमारा वाटर टैंक है, इसके नीचे लगेगा देखो कुछ इस तरह से, देखो ऐसे लगेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर हमने सर्किट पहले से बना लिया हुआ है, सर्किट देखो क्या है, मतलब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं 9 वोल्ट की, ये बैटरी लग गई यहाँ पर, देखो सर्किट देखो क्या है, यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर बीच में स्विच, अब देख लो ये क्या है, मतलब ये बैटरी, इसके साथ है क्लिप कनेक्टर, ये स्विच है ऑन ऑफ स्विच, और ये बजर, बजर वो मतलब इससे क्या जो हमें अलार्म का काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने मतलब इसकी मतलब बैटरी की पॉजिटिव वायर स्विच के साथ लगा दी, और बजर की जो पॉजिटिव वायर है वो भी मैंने स्विच के साथ कनेक्ट कर दी कुछ इस तरह से, तो मैंने इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव वायर्स रह गई, यहाँ पर हम इनको मतलब क्या है ना थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, मतलब ये बहुत छोटी वायर होती है इनकी, इसलिए हम एक्स्ट्रा यहाँ पर मेरे पास में 2 नेगेटिव वायर्स हैं थोड़ी लंबी, हम इन दोनों को इस एक वायर हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और एक वायर हम इसके साथ, और फिर बनाते हैं हम अपना प्रोजेक्ट, किस तरह से हमारा काम करेगा वो सारा सेटअप मैं अब लगाने वाला हूँ। तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा सेटअप, मतलब जो भी हमारा जो था सर्किट हमारा बन चुका है, बैटरी स्विच बजर, यहाँ पर हमने वायर्स को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर हमने मतलब जॉइंट दे दिया, वायर को एक्सटेंड किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ इस इधर इस साइड पे मतलब बजर के वायर को भी हमने एक्सटेंड कर दिया। अब देखना ये देखो, अब जैसे मैं वायर्स ज्वाइन करता हूँ दोनों, ये दोनों वायर्स है ना, इनको जैसे ही ज्वाइन करूँगा बजर बजेगा, सुनना ध्यान से, स्विच ऑफ, यहाँ पे स्विच इसको ऑफ कर देते हैं, अब नहीं बज रहा। तो कुछ इस तरह का मतलब क्या है ना, पानी में होगा, जैसे पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो होगा क्या, इसको हम पानी के नीचे रख देंगे, इसको हवा में रख देंगे, अब पानी आएगा जैसे ऊपर लेवल अप होगा, मतलब लेवल भर जाएगा पानी का पूरा, जहाँ तक ये वायर है तो करंट मतलब फ्लो होगा पानी के थ्रू, तो हमारा बजर जो है वो बजर मतलब बच जाएगा, तो इस तरह से काम करेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसका सेटअप लगाएंगे। सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर है ना जैसे मेरे पास, पहले यहाँ पर लगाते हैं, क्या कुछ करना है हमें, ये वायरिंग करते हैं पहले सारी यहाँ पर, ये एक वायर मैंने आपको बताया अभी कि एक वायर जो हमें मतलब एक इसको क्या है पानी के अंदर रख देंगे, पानी के मतलब बिल्कुल अंदर एक वायर रख देंगे, देखो कुछ इस तरह से, इसको पहले मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, मैं वायर लगा दूँगा पानी के अंदर, ये देखो इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ टेप की मदद से, तो टेप यहाँ पर, तो ये टेप, टेप की मदद से मतलब इसको मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर। सो टेप लगा देते हैं यहाँ पर पहले, हाँ तो लग गई टेप यहाँ पर, ये नीचे रहेगी, ये पानी के नीचे मतलब यहाँ पर क्या है पानी होगा लेवल पर बिल्कुल मतलब नीचे तक, तो यहाँ पर एक वायर यहाँ पर रहेगी नीचे पानी में, और एक वायर होगी ऊपर हवा में, हवा में भी वायर एक लगाएंगे, मतलब जो मतलब लेवल जब भरेगा उसको हम लगाएंगे। सो ये वाली वायर यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर एक कट है, यहाँ पर मैं इसकी वजह से लगा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से लग गया हमारा दूसरा वायर भी, मतलब जो ये वाला वायर पानी के नीचे रहेगा, ये वाला वायर हवा में रहेगा, कुछ इस तरह से काम करेगा हमारा ओवरफ्लो अलार्म सिस्टम, इसको मैं थोड़ा ऐसे रख देता हूँ। अब जैसे मैं जो पानी फ्लो होगा, देखो पानी भरेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और जो बजर है वो बच जाएगा, तो अब भरते हैं इसमें पानी, पानी डाल देते हैं इसमें,
टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि काम करता है या फिर नहीं। तो देखते हैं, पानी डालकर, पानी डाल रहा हूँ अब मैं इसमें अंदर। स्विच ऑन नहीं, आई थिंक देखो स्विच ऑन किया मैंने और इसमें हो गया, स्विच ऑफ करूँगा। देखना अभी स्विच ऑन है, तो यहाँ पर आप देख सुन सकते हो बजर जो हमारा बज रहा है ना। अब मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, अब देखना क्या होगा। ये होगा स्विच ऑफ, बजर भी ऑफ हो गया। अब देख लो अभी पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अब मैं इसमें से पानी कम कर देता हूँ। अब हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं मान लो इसमें पानी भर रहा हूँ तो मतलब क्या पानी ओवरफ्लो हो चुका है। ये देखो ये मतलब इंडिकेट हो गया हमें कि हाँ बजर बज रहा है, इसका मतलब कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब इसको पहले ऑफ कर देते हैं। अब पानी कम करते हैं इसमें से, पानी निकाल देते हैं इसमें से बाहर, मैं इस गिलास में डाल लेता हूँ। सो अब देखते हैं, अब इसको हम पूरा सेटअप लगाते हैं दोबारा से, जैसे मैंने आपको भी बताया वैसे लगा देते हैं। यहाँ पर सब कुछ हो गया हमारे, मतलब यहाँ पर हमने टेप की मदद से इसको अंदर की ओर लगा दी एक वायर जो पानी में रहेगी, और ऊपर इसके इसको हम ऊपर नहीं लगाएंगे, इसको नीचे लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये वाली वायर सारी नीचे चली, इसके अंदर हमने बैटरी लगा दी, बजर लगा दिया और स्विच भी हमने कनेक्ट कर दिया। और राइट, तो हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरह से। वायर पहले हम इसके अंदर डाल देंगे सारी, जो एक्स्ट्रा वायर है तो इसको इस तरह से डाल देते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हमने कट किया था ना, वहाँ पर से इसको ले जाते हैं। पहले एक्स्ट्रा वायर सारी हम अंदर डाल देते हैं, हमें वायर की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, ये वायर हम यहाँ लगा देते हैं थोड़ा सा कट यहाँ पर। तो ये लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लग गई वायर, यहाँ वायर लग गई इस तरह से वायर लगेगी। और एक्स्ट्रा वायर हम अंदर डाल देते हैं। अब इन वायर्स को भी हम यहाँ पर टेप की मदद से फिक्स कर देते हैं पहले। सो ये वाली वायर लगेगी यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसको पहले यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ये हो गया। आप सोच रहे हो यार तो ग्लू गन का क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, ग्लू गन ख़राब हो चुकी है तो नई खरीदनी पड़ेगी या फिर मैं रिपेयर करने की सोच रहा हूँ। तो ग्लू गन का भी यूज़ नहीं मैं कर रहा, ग्लू गन थोड़ी ख़राब हुई पड़ी है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रही, कुछ अंदर से मतलब पार्ट वगैरह कोई लूज़ हो गया उसका, तो मैं ग्लू गन का यूज़ नहीं कर रहा, टेप से काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी लगा देते हैं यहाँ पर टेप, ये कुछ इस तरह से लगेगा। सो ये लगा देते हैं पहले टेप यहाँ पर। काफ़ी मुश्किल, मुझे मतलब काफ़ी मुश्किल लग रहा है, पता नहीं कि वो यहाँ पर ये टेप वगैरह लगाना, इन वायर्स को सेट करना बड़ा मुश्किल लग रहा है सच में। ये लगा दी। सो ये लग गया हमारा, बन गया प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब इसको थोड़ा फिक्स कर देते, ये वाली वायर भी लग गई यहाँ पर, ये वायर रहेगी हमारी हवा में, ये पानी में। ये देखो ये ऊपर, अब देखो प्रोजेक्ट कैसा दिखता है हमारा, ये वायर जो है ये हवा में रहेगी, ये पानी में। नीचे हमने सारी वायरिंग कर दी, सब कुछ लगा दिया हमने, स्विच भी लगा दिया यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से मतलब ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह या फिर कोई एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन है, सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है इस किस तरह से काम करता होता है एक वाटर ओवरफ्लो अलार्म। सो अब इसको भी फिक्स कर देते हैं टेप की मदद से, इस कंटेनर को यहाँ पर। ऑलराइट, तो सब कुछ मैंने कर दिया हुआ है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वाटर ओवरफ्लो अलार्म का मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, फाइनली यहाँ पर बन चुका है। आपको पता चल गया होगा मैंने किस तरह से बनाया, मुझे ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं। चलिए पानी डाल देते हैं अब इसके अंदर और टेस्ट करते हैं कि काम कर रहा है या फिर नहीं। देखो ये हमारा वाटर टैंक है और इसके नीचे हमने हमारा सिस्टम लगाया हुआ है, वाटर ओवरफ्लो अलार्म का सिस्टम है नीचे। ऑलराइट, तो वायरिंग वगैरह हमने सब कुछ कर दिया, कुछ इस तरह से जो है मतलब काम करता है। बड़े स्केल पर आप उसको इमेजिन कर सकते हो किस तरह से काम करते होते हैं वाटर ओवरफ्लो अलार्म्स। वायर एक नीचे रहती है और एक वायर ऊपर रहती है, जब ये मतलब लेवल टच कर जाएगा ये वाला वायर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और इससे बजर बजेगा, यानी कि अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो पहले स्विच ऑन कर देते हैं, ये देखो ये स्विच हो गया ऑन, हमारा अलार्म ऑन हो चुका है। लेकिन जब पानी जाएगा तब इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब करंट फ्लो होगा तो हमारा जो अलार्म है बजेगा। तो मैं पानी डाल देता हूँ, अब देखना ध्यान से किस तरह से काम करेगा। मैं इसमें पानी भरने लगा हूँ और जैसे ही लेवल को टच करेगा तो हमारा बजर बजेगा, अब ध्यान से सुनना। सुन रहे हो आप, ध्यान से सुनो, मैं पानी थोड़ा और डाल देता हूँ। अब सुन रहे हो आप, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अब सुनो आवाज़ सुन रही है बजर की।
मुझे पता है काफी मतलब ज्यादा लाउड नहीं है, पर हमारा काम चल रहा है। देखो नीचे बजर है हमारा, ये देखो ये वायर हमारी पानी में रहेगी। अब देखो ये पानी मतलब सर जैसे ही वाटर लेवल को टच करती है अब हमारा बजर बजता है ना। इस तरह से काम करता है वाटर ओवर फ्लो अलार्म, एक वायर नीचे और एक वायर हवा में। तो अब देखो इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, स्विच ऑफ और ये अलार्म बंद। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा, और आपको ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था कि किस तरह से वाटर ओवरफ्लो अलार्म काम करता है ये आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार एक वीडियो एक लाइक तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।